बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। मरियम स्टिचिंग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए इस खूबसूरत नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग लाई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक का ये डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह की दो बुकरम की स्ट्रिप्स को काट लें जिनकी लेंथ 15 इंच हो। नेक के साइज के मुताबिक इस तरह का बुकरम का एक स्क्वायर पीस लें जो कि डबल फोल्ड हो। नेक की चौड़ाई मैं 7.5 इंच रखूंगी, तो इसके लिए मैं 3 इंच और 2 सूत्र पर निशान लगाऊंगी। गहराई के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इनको मिलाकर एक बॉक्स बना लें। नेक की शेप देने के बाद इसे कट कर दें। पौने इंच के करीब इसकी स्ट्रिप बना लें। दरमियान से काट कर इसके दो पीसेस अलग करें। अब थोड़ा सा फासला देते हुए दोनों पीसेस को शर्ट के फैब्रिक पर पेस्ट करें। अब इस तरह से कटिंग करें। इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अब एक सिलाई यहां पर भी लगाएं। अब इन स्ट्रिप्स को इस लाइन के ऊपर शर्ट के बॉर्डर पर पेस्ट करें। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए इनकी स्ट्रिप्स बनाएं। अब इस किनारे से कट करते हुए स्ट्रिप्स को अलग करें। इस तरह की एक डोरी तैयार कर लें। ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब स्ट्रिप्स की चौड़ाई के बराबर डोरी के लूप बनाकर कट करें। अब 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद 3 इंच के गैप पर 2-2 लूप मिलाकर अटैच करें। अब इसी तरह इस स्ट्रिप पर भी लूप अटैच करें, लेकिन इस स्ट्रिप पर लूप को इन लूप्स के ऑपोजिट अटैच करें। अब इस फैब्रिक को 1.5 इंच के करीब इस तरह फोल्ड करें। अब 2 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए दोनों स्ट्रिप्स को आपस में मिलाएं। अब फैब्रिक को इन स्ट्रिप्स के मुताबिक कट कर दें।
अब इन स्ट्रिप्स को मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगाकर इस फैब्रिक के साथ अटैच करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दें। मैंने शोल्डर से 17.5 तक अपना नेक रेडी करना है। 17.5 इंच का निशान लगाएं। कटिंग मैं 17 इंच तक करूंगी। अब इस स्ट्रिप को फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएं और जितना अंदर दबाना है उतना फोल्ड करके एक कट यहां लगाएं। अब सुई गुजार कर दोनों तरफ निशान लगाएं। अब इस स्ट्रिप को कटिंग के साथ सेंटर करें और सुई से लगे हुए इस निशान तक सिलाई लगाएं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह सेंटर करें। और सुई से इस निशान तक सिलाई लगाएं। अब जहां तक सिलाई लगाई है वहां से तिरछी दोनों तरफ लाइन लगाकर छोटे कट लगाएं। अब इस स्ट्रिप को इस तरह अंदर की तरफ करें। अब शर्ट को इस तरह पलट कर यहां सिलाई लगाएं। नीचे वाइट लाइन के एंड पर सिलाई लगाएं क्योंकि मैं ग्रीन शेड ही शो करना चाहती हूं। इसी तरह दूसरी साइड पर सिलाई लगाएं। अब इन दो पीसेस में कटे हुए नेक को अटैच करेंगे। अब इस तरह नेक को बराबर रखते हुए यहां सिलाई लगाएं। अब कटिंग कर दें। अब अंदर की तरफ फोल्ड करें। अब इस तरह फोल्ड करते हुए यहां तुरपाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।